गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज है 16 अक्टूबर 2020, फ्राइडे है, सुबह के 8:21 हो रहे हैं। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल हमने देखा निफ्टी में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, एक जबरदस्त करेक्शन, काफी निफ्टी बुल रन यहाँ से हमने देखा। और कल एक 12,000 का ये जो साइकोलॉजिकल बैरियर था, वहां से निफ्टी जो करेक्शन दिखाया, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की गिरावट कल निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। तो आगे क्या सपोर्ट के लेवल्स होंगे, इंट्राडे लेवल्स क्या होंगे आज के लिए, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू कर दें। यह कल का पिक्चर है, यानी 15 अक्टूबर, आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,939 और ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,024। तो जैसे कि आप देख पा रहे, निफ्टी इंडेक्स एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास ओपन हुआ। 12,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, वहां से यह टूवर्ड्स साउथ की तरफ आया। ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,922, सेकेंड टारगेट 11,903, ये भी यहाँ पर अचीव किया। काफ़ी देर इस लेवल के पास ये पेनेट्रेट कर रहा था, लेकिन ये भी लेवल जैसे ब्रेक हुआ, निफ्टी इंडेक्स बहुत ही तेजी से टूवर्ड्स आउट की तरफ है। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 13,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। यह था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं उनके लिए क्विकली ट्रेडिंग फैब का एक इंट्रो दे देता हूँ। ट्रेडिंग फैब ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरो दाय, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है, एंजल ब्रोकिंग भी है। अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन करते हैं तो हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। और एक स्पेशल डिस्काउंट है जो हमारा बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का एक स्टडी कोर्स है, उसको आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। अपस्टॉक्स की और एक ज़बरदस्त ऑफर है, इस समय चल रही है। अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं अपस्टॉक्स में तो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट फ्री है, कोई ओपनिंग चार्जेस नहीं है। उसके बाद अगर फर्स्ट 30 डेज अगर आप ट्रेड करते हैं तो कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा आपको। मनी कंट्रोल का प्रो सब्सक्रिप्शन 2,000 रुपीज़ का एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। उसके बाद एक बिगिनर्स कोर्स है ई लर्न मार्केट्स के तरफ से, वो भी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। और स्टॉक एज प्रीमियम मेंबरशिप भी आपको फ्री में मिलेगी, जो कि अराउंड 1,000 रुपीज़ की है। तो ये एक ज़बरदस्त ऑफर है अपस्टॉक्स की तरफ से। ये ऑफर सिर्फ 31 अक्टूबर तक ही है। तो अपस्टॉक्स में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारे इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप के साथ ये सब जो ऑफर्स है वो आपको फ्री में मिल सकती है। तो ये ऑफर एक बार फिर से ध्यान रखिए, 31 अक्टूबर तक ही है। तो एक ये छोटा सा क्विकली इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते। कल अमेरिकी बाजार फिर से एक बार लाल निशान में बंद हुए, 54 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट्स देखे तो वहाँ पर अभी जो कोरोना वायरस का जो सेकेंड वेव कई सारे जगहों पर देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर कई सारे जगहों पर फिर से एक बार कर्फ्यू लगा दिया है। तो यूरोपियन मार्केट अगर लास्ट 1 मंथ से देखे तो एक कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। एशियाई बाजार आज देखे तो एसजीएक्स निफ्टी रिकवर होते हुए दिखाई दे रहा है, 70 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिल रही है। और लगभग बाकी के भी जो मेजर एशियाई बाजार है वहाँ पर एक हरे निशान में कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। डाव फ्यूचर देखे तो वो भी 68 पॉइंट के पॉजिटिव नोट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो रिकवरी के साथ कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। ये हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को यहाँ पर ड्रॉ किया था। लास्ट वीक का अगर हाई देखे तो 38.2% के लेवल के पास इसने क्लोज दिया था, रेजिस्टेंस फेस किया था। ये वीक आज लास्ट डे है, ये वीक का ये कैंडल है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 38.2% के लेवल के ऊपर क्लोज होने में नाकामयाब होते हुए नजर आ रहा है। आज का लास्ट डे है, देखते हैं क्लोज कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर 11,930 और ये जैसे कि हमने यहाँ पर ये लेवल को आइडेंटिफाई किया था, जहाँ से 12,000 के यहाँ से फरवरी मंथ में ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला था, ठीक उसी लेवल के पास कल इसने फिर से एक बार ज़बरदस्त गिरावट दिखाई है। तो कहाँ पर डेली चार्ट के हिसाब से सपोर्ट आ रहा है वो देखते हैं।
ये वीकली चार्ट का सिनारियो था। स्ट्रक्चर अपसाइड स्ट्रक्चर बन रहा है, शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म ये तीनों मूविंग एवरेजेस फेब्रुवरी के बाद अभी सेंडिंग ऑर्डर्स में और इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो स्ट्रक्चर अभी अपसाइड स्ट्रक्चर पावरफुल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टाइम फ्रेम का चार्ट है। चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट में ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल कल हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पर इसने 23.6% के लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके कल बाउंस बैक दिखाया था, लेकिन फिर से एक बार 12,000 एक साइकोलॉजिकल बैरियर, वहाँ से निफ्टी इंडेक्स ने ज़बरदस्त करेक्शन दिखाया। अब ये जो कैंडल बना ये ऑलमोस्ट कल का कैंडल देखे आप तो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स की गिरावट है टॉप से लेके बॉटम तक। ऐसा ही ये कैंडल यहाँ पर बना था और एक कैंडल यहाँ बना है, तो ये जो कैंडल था ये ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स का कैंडल था और यहाँ पर 20 एएमए का सपोर्ट टेस्ट करने के बाद यहाँ पर ये कंसोलिडेशन फेज में हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये 50% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 11,603 और उसी के पास 20 एएमए का ये पिंक लाइन आ रहा है डेली चार्ट में जो कि अराउंड 11,600 के पास है। तो क्रूशियल सपोर्ट होगा 11,600 के पास और उसके बाद 61.8%। ये जो दो लेवल्स है यहाँ से हमेशा दिखाई दिया है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा दिखाई दिया है कि ट्रेंड रिवर्सल हमें इन दो लेवल से देखने को मिलता है। लेकिन जब तक प्राइस में अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो जब तक इस तरह से हायर आए हायर लोज नहीं बनते तब तक अपसाइड ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू होते हुए नजर नहीं आता। तो ये बेसिक पैटर्न है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट पैटर्न है। तो अभी यहाँ पर अगर ये गिरावट अगर बढ़ता है तो नीचे 11,600 का फर्स्ट सपोर्ट होगा, उसके बाद 11,500 के पास नेक्स्ट सपोर्ट होगा। हो सकता है इतने गिरावट के बाद निफ्टी इंडेक्स एक साइडवेज पैटर्न में ट्रेड करे, फिर एक जोन बने, उसका अपर बैंड या फिर लोअर बैंड ब्रेक करेगा तो हमें नेक्स्ट आने वाले ट्रेंड के बारे में कन्फर्मेशन मिल सकता है। तो ये था डेली चार्ट का सीनारियो। ये जो कल फॉल आया है इसका इंडिकेशन प्री इंडिकेशन हमें आरएसआई ने दिया था। अगर आप मंडे का वीडियो हमारा देखेंगे तो यहाँ पर हमने आरएसआई वर्सेस प्राइस एक्शन को कंपेयर किया था, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ से निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर प्राइस एक्शन में आप देख सकते हैं हायर हाइज बना रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें नीचे एग्जैक्ट उसी टाइम नीचे RSI लोअर हाइज बना रहा है। ये देखिए प्राइस एक्शन में फिर से नए हाइज बन रहे हैं 12,000 के आसपास, लेकिन RSI जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये क्लियर कट डाइवर्जन था RSI वर्सेस प्राइस एक्शन का, नेगेटिव डाइवर्जेंस। तो ये RSI हमें पहले इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ से फॉल आ सकता है, लेकिन जब तक प्राइस एक्शन में हमें उसका सिग्नल नहीं मिलता ट्रेंड रिवर्सल का तब तक शॉर्ट करना काफ़ी रिस्की साबित होता है। तो यहाँ पर RSI डाइवर्जन थ्रू हमें पहले इंडिकेट करता है कि यहाँ से एक करेक्शन आ सकता है। तो ये था RSI वर्सेस प्राइस एक्शन का एक एग्जांपल। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। निफ्टी इंडेक्स अगर कल का लो अगर तोड़ देता है यानी 11,658 के नीचे चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं और तभी हमारा एक क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 11,630, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,611, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी इंडेक्स अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो लास्ट कैंडल बना है उसका अगर हाई देखे तो यहाँ पर पास्ट में निफ्टी इंडेक्स ने एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस फेस किया था, पूरे दिन यहाँ पर यह रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो इस लेवल के ऊपर यानी 11,742 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,762, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,789, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।